ठीक है, हम लोग अपने चौथे चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला है हम लोग समझेंगे कि दर क्या है, रेट क्या है, रेट को किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, सेंस क्या है उसका, ठीक है। और ये चौथा चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक गतिकी मुख्य रूप से इसी चीज के ऊपर है कि किसी चीज की सांद्रता में या वो रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो, मतलब कि अभिकारक हो या उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में कितने समय में कितना परिवर्तन होता है इसी के बारे में बताता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं इसको रेट होता था दर। अब ये एक्स जो है ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि समय के साथ परिवर्तन को दर कहते हैं, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा परिवर्तन होता जाएगा। मान के चलो कि तुमने एक कटोरी में, ठीक है, एक कटोरी में तुमने 500 मिलीलीटर का पेट्रोल लिया, ठीक है। अब ये पेट्रोल पता है कि वोलाटाइल होता है, ये उड़ता है। अब ये मान लो थोड़े समय के बाद, मान लो 5 मिनट के बाद ये घटकर आ गया यही पेट्रोल तुम्हारा 250 ml, ठीक है। क्या हुआ, सांद्रता में परिवर्तन हुआ, सांद्रता यानी कि मात्रा में परिवर्तन हुआ, हुआ ना परिवर्तन। और ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, 5 मिनट में। अभी जल्दी हुआ कि लेट हुआ, अब अभी कंपेयर नहीं कर सकते इसलिए बता नहीं सकते। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा लेते हैं, हम यहां पे केरोसिन ऑयल ले लेते हैं, इसका भी 500 मिलीलीटर लेते हैं, ये भी इसका मात्रा हो गया, सेम टाइम के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में यह हुआ 400 मिलीलीटर, ठीक है। बताओ इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, हुआ कुछ भी रेट ऑफ रिएक्शन, मात्रा में परिवर्तन हुआ, सांद्रता इसका बदला, तो 5 मिनट में बदला, हम बोलेंगे इसका दर क्या होगा। अब बताओ रेट ऑफ कन्वर्जन किसका ज्यादा हुआ या रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा हुआ, ये 5 मिनट में इसका 250 ml उड़ गया, इसका 5 मिनट में 100 ml उड़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा हुआ, जो भी हवा के साथ रिएक्शन हुआ हो, रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हुआ, ज्यादा हुआ। यही चीज हमको पढ़ना, हमको कैसे पता चला कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हुआ, क्योंकि इसमें समय के साथ इसकी सांद्रता में ज्यादा परिवर्तन हुआ है कंपैरेटिवली इसके, इसकी तुलना में इसमें परिवर्तन क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से हम लोग जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहा का जो जंग लगना है ये धीमी प्रक्रिया है, धीमी नहीं एकदम धीमी प्रक्रिया है, स्लो रिएक्शन है, धीमी अभिक्रिया है, मतलब 1-2 महीना में लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम NaOH में HCl डाल दें तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, ये तीव्र अभिक्रिया है, इसकी सांद्रता में तुरंत परिवर्तन आ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया, ये तो हो गया दर, मतलब समय के साथ परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं दर। अब आते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें दो हिस्सा है, शायद तुम लोग भूल गए होगे या भूलने का नाटक कर रहा होगा, ठीक है। तो मान लो हम अभिक्रिया लेते हैं ए प्लस बी, ये अभिक्रिया करके बना सी प्लस डी, तो इधर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रिएक्टेंट, और इधर वाला जो हिस्सा होता है वो है उत्पाद, जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट। इसी पर पूरा गणित है, अगर अभिकारक से प्रोडक्ट अगर जल्दी जल्दी मिल रहा है तो हम कहेंगे कि अभिक्रिया तीव्र हो रही है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या है, ज्यादा है। अगर हमको धीरे धीरे प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या है रेट ऑफ रिएक्शन उसका कम है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें एक हिस्सा अभिकारक का होता है, एक हिस्सा उत्पाद का होता है, ठीक है। अब क्या है, अब हम इसको ऐसे इसको समझेंगे, ये मैंने एक टब ले लिया, ऊपर पानी भर दिया, इसको मैंने कह दिया अभिकारक और इसको कह दिया इंग्लिश में रिएक्टेंट, ठीक। अब यहां पर मैंने यहां टैब लगा दिया, यहां पानी लगा, यहां एक दूसरा टैब है, ये है उत्पाद, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन होता है उसका प्रोडक्ट मिलता है, ठीक। अब क्या होगा, अगर हम इस टैब को खोलते हैं तो ये उत्पाद धीरे धीरे बढ़ेगा, तो अभिकारक क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, फिर थोड़ा देर के बाद 5 मिनट के बाद फिर, और ये मैंने मान लो पहला समय 1 मिनट लिया, फिर मैंने इसको 2 मिनट तक खोल कर रखा, मतलब 2 मिनट तक अभिक्रिया हुई मान लो,
फिर ये क्या हुआ, फिर ये उत्पाद क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये होता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है तो अभिकारक की जो मात्रा है वो घटती है, क्या होती है, घटती है, और जो उत्पाद की मात्रा है वो बढ़ती है, यही होता है सामान्य रूप में, यही चीज होता है। अब अगर अभिकारक की मात्रा घटेगी उसको हम लोग माइनस से सूचित करेंगे, और अगर उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी तो उसको हम लोग प्लस से सूचित करेंगे। लेकिन परिवर्तन तो दोनों में हो रहा है। मान लो कि हमने उत्पाद की मात्रा पहले, ठीक है, देखो बात को समझो, यहां मैंने लिया अभिकारक और यहां लिया उत्पाद, मतलब ये हुआ रिएक्टेंट, ये हुआ प्रोडक्ट, बस यही क्लास समझने योग्य, इसका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। अब मान लो कि यहां पर मैंने ले लिया 5 ग्राम, मेरा उत्पाद अभी कितना है, 0। हमने लिया t इक्वल टू मान लो 3 सेकंड तक रिएक्शन हुआ, ये उत्पाद तो घट, ये अभिकारक घटेगा, ये मान लो आ गया 3 ग्राम पर, इधर बन गया कितना, 2 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या है कि अब थोड़ा और समय हो गया t इक्वल टू 5 सेकंड, फिर ये हो जाएगा 1 ग्राम, फिर ये हो जाएगा 4 ग्राम, होगा। मतलब क्या हो रहा है कि अभिकारक का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, मतलब जो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, और जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन दोनों के अमाउंट में चेंज तो हो रहा है टी समय में, तो अगर हम इसकी मात्रा को मान लो कि एक्स मान लेते हैं और इसकी मात्रा को वाई मान लेते हैं, तो दोनों के प्रोडक्ट, दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन तो जरूर होगा ना। मतलब क्या हुआ कि एक्स मान लो इसका मात्रा है वो टी समय में घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहां माइनस लगा देंगे। इसका मात्रा है dy/dt, dy/dt मैथ में पढ़े होंगे, ये परिवर्तन को बताता है, डिफरेंशिएशन को बताता है। मतलब अब क्या है कि टी समय में वाई मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही। देखो हम, ये परिवर्तन है, ये क्या है, ये चेंज है, ये परिवर्तन है, लेकिन जब हम इसमें प्लस साइन लगा देंगे तो मतलब ये बढ़ता हुआ परिवर्तन है, जब हम इसमें माइनस साइन लगा देंगे तो मतलब ये घटता हुआ परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन तो है, और परिवर्तन को हम लोग किससे देखते हैं, समय के साथ। अगर हम लोग परिवर्तन को समय के साथ देखते हैं उसी को दर कहते हैं। जैसे मान लो कि, मान लो मेरी बेटी जो है, मान लो कि अभी इतनी बड़ी हो गई 1 साल में, मेरी भांजी 1 साल में इतनी बड़ी नहीं हुई थी, मतलब उसके बढ़ने का जो दर है समय के साथ, 1 साल में इतना बड़ा हो गया, अरे उसका बच्चा 1 साल में इतना बड़ा हुआ, मतलब इसका जो बढ़ने का दर है समय के साथ वो ज्यादा है, इसका समय के साथ बढ़ने का दर क्या है, कम। मतलब समय के साथ परिवर्तन, अब वो समय के साथ परिवर्तन तुम्हारे स्मार्टनेस का हो सकता है, तुम्हारे पैसे का परिवर्तन हो सकता है, तुम्हारी सांद्रता का परिवर्तन हो सकता है, बढ़ना या घटना जो भी है, मतलब परिवर्तन को बताता है समय, ठीक है। और उसी को हम लोग लिखते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहां हम लिख देंगे लंबाई, डी लंबाई बाय डीटी, मतलब समय के साथ लंबाई का वो परिवर्तन बता रहा है। अब वो ज्यादा होगा तो प्लस से दिखाएंगे, अगर कम होगा तो माइनस से दिखाएंगे, बस यही अभिक्रिया की दर। तो यहां पर हम लोग देखें कि ए प्लस बी सी प्लस डी, ठीक है, ये आपका अभिकारक या रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अगर ये समान रूप में बढ़ता है तो हम इसको प्लस से सूचित करेंगे, और इसको अगर ये घटता है तो इसको माइनस सूचित करेंगे। अभी हम एक एक करके सारा पॉइंट लिखवाएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो हम लोग इसका एक परिभाषा देख लेते हैं एक बार, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पादों के इकाई समय में सांद्रता के परिवर्तन को उसकी अभिक्रिया की दर कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम किसी यूनिट टाइम में उसका अमाउंट कितना चेंज हो रहा है समय के हिसाब से, ठीक है, अब वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या स्लो चेंजेस हो रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे अभिक्रिया की दर। हम लोग धीरे धीरे उसकी परिभाषा के बाद उस पर भी आएंगे कि उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो गया, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इन यूनिट टाइम, मतलब किसी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन।
तो रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसमें कुछ कुछ और भी टर्म है, इसको समझ लो। जैसे इस तरह का ब्रैकेट का उपयोग होगा, यूज किया जाएगा। इस तरह के ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास, मतलब जितना मास रिएक्शन में यूज हो रहा है। हिंदी में कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। अब ये जो एक्टिव मास है, ये एक तरह का सांद्रता होता है किसी का भी। अब ये दोनों में हो सकता है। ये सांद्रता को हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे मोलरता की जो इकाई होती है, मोल पर लीटर के रूप में चलेंगे, लेके चलेंगे, ठीक है। कहीं भी तुमको पूछा जाएगा कि सांद्रता की इकाई क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आना चाहिए मोल पर लीटर। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो अगर कहा जाएगा कि अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, तो इसको कैसे सूचित करेंगे? तो हम लोग समान रूप में A प्लस बी सी प्लस डी लिखते हैं। तो इसमें से कौन कौन हो जाएगा? कंसंट्रेशन A, दूसरा हिस्सा कंसंट्रेशन B, ठीक है। इसी तरह से मान लो कहेगा उत्पाद, देखो हम तो एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं प्रोडक्ट की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, कैसे सूचित करेंगे? सी या ये, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको लिखते हैं रेट के रूप में, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को कैसे सूचित करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, पर यूनिट टाइम, यहां लिख लेते हैं इकाई समय में। इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को हम कैसे सूचित करेंगे? कैसे करेंगे? डी ए बाय डी टी। अब ये अभिकारक है इसलिए ये घटेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? एंड माइनस डी बी बाय बस हो गया। उसी तरह से अगर हमको उत्पाद के बारे में कहेगा, यानी कि प्रोडक्ट के लिए कहेगा, क्या लिखेंगे? प्लस डी सी बाय डी टी एंड प्लस डी बाय, बस हो गया। यही तुम्हारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसका उपयोग अभी से लेके पूरे चैप्टर में यही चीज होगा। यही बस समझने वाला बात है कि अगर हम ब्रैकेट में दे दिए मतलब हम उसकी सांद्रता के बारे में बात करेंगे, अगर हम dA by dt लिख देंगे इसका मतलब उसकी हम अभिक्रिया की दर की बात करें। ये क्या है? इकाई समय में अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, ये है क्या? यही तो है बाबू अभिक्रिया दर, ठीक है। यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को तो हम अंग्रेजी में कह रहे हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमको दिखाना होगा किसका? अभिकारक का, तो हम क्या लिखेंगे? अभिकारक वाले हिस्से को लिखेंगे। अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का दिखाना होगा तो हम प्रोडक्ट वाले हिस्से को लिखेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग अभिक्रिया की दर, ठीक है। अगर हम इसको पूरे एक रिएक्शन में लिखना होगा, एक रिएक्शन का अगर हमको लिखना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे? चलो देखते हैं। अगर एक रिएक्शन समान रूप में कोई है, समान रूप में कोई रिएक्शन होता है तो ये होता है प्लस डी। तुम लोग देखा होगा ऐसा रिएक्शन होता है 2NH3 प्लस Cl2 यहां पे आ जाता है 3N2 प्लस ऐसे करके ABCD कुछ भी। तो ये जो है 2, 1, 3 आता ना आगे में, ये वही है, ये छोटी है बड़ी है वही। मतलब अभिक्रिया का ये क्या है? जनरल रूप है, जनरल सिंबल होता है। अब हमको यहां पे रेट दिखाना होगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। कैसे लिखेंगे? प्लस 1/c, ये जो है ये तुम्हारा बटा में आ जाएगा 1/c डी सी बाय डी टी बराबर एंड
प्लस 1 बाय डी 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 बाय डी टी। ये जो छोटी डी है ये बाबू ये वाला डी है, ये जो छोटी सी है ये वाला सी है, कंफ्यूज नहीं होना। अब उसी तरह से हमको लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, ये उत्पाद क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय ए डी ए बाय डी टी, और क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय बी डी बी बाय बस हो गया खत्म। ये चैप्टर का अगर ये चीज समझ में आ गया, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, यही है रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा। यहां से समझना शुरू किया और फाइनल मेरा ये है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो और आज भर हम लोग यही रहने देते हैं इसको। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप का होता है, सॉरी केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर कितने टाइप का होता है और इसका केमिकल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज भर यहाँ रहने दो, बेहतरीन इंट्रोडक्शन है, इसको एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया आज का क्लास तो इसके बाद पूरा चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो थैंक यू।